लंग कैंसर हमारी कंट्री का एक कॉमन कैंसर है जो कॉमनली स्टेज 4 पे ही पकड़ा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि लंग कैंसर की कुछ स्पेशल टाइप्स है जिनमें एक सिंपल टैबलेट्स है पेशेंट सालों साल की एक्सीलेंट जिंदगी पा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, लंग कैंसर हमारी कंट्री में एक कॉमन और ऑफन डेडली कैंसर है, परंतु आज के दिन ये देखा गया है कि लंग कैंसर की बहुत सारी वराइटीज़ है, उनमें से कुछ स्पेशल वराइटीज़ है जिनका आउटकम बहुत ही अच्छा है और जिनमें कोई कीमोथेरेपी वगैरह की जरूरत नहीं होती और सिंपल टैबलेट से पेशेंट एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म आउटकम पा सकता है। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी को हम बोलते हैं EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर, जो 25% लंग कैंसर पेशेंट में होता है। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जैसे EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर क्या होता है, इसको डायग्नोस यानी पता कैसे करते हैं कि पेशेंट को EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर है, इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या टैबलेट अवेलेबल है, इनका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर के ट्रीटमेंट का अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट क्या है, और EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर का अप्रॉक्सीमेटली सर्वाइवल क्या है, और आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पे क्लोज अटेंशन रखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर से हमारा तात्पर्य या मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, लंग कैंसर यदि हम 15 ईयर्स पहले जाए तो बॉडी में जितने भी लंग कैंसर होते थे सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता था, इसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। परंतु एज मेडिकल साइंस वर्ल्ड जैसे जैसे रिसर्च हुआ है, हमने और जाना है कैंसर के बारे में, ये रियलाइजेशन हुई है कि सब कैंसर एक तरह के नहीं होते। लंग कैंसर एक बास्केट टर्म है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कैंसर आते हैं, सबका इनका ट्रीटमेंट अलग अलग है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें कीमोथेरेपी की जरूरत है, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें टारगेटेड थेरेपी की जरूरत है, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी की जरूरत है। और आज के दिन लंग कैंसर को ऑलमोस्ट 15 या 16 डिफरेंट कैंसर में डिवाइड किया जाता है टेस्टिंग के बावजूद के मदद से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारी कंट्री में लंग कैंसर का एक बहुत ही कॉमन सब टाइप होता है जिसको EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर बोलते हैं। ये एक जेनेटिक सब टाइप ऑफ लंग कैंसर है जिसको ट्यूमर को जांच करके पता करते हैं, और ये कैंसर हमारी कंट्री में 25% लंग कैंसर पेशेंट में पॉजिटिव आता है। तो टू बी ब्रीफ, लंग कैंसर की एक सब टाइप होती है जिसको हम EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर बोलते हैं, जो हमारी कंट्री में 4 में से एक पेशेंट जिनको लंग कैंसर है उनमें होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैसे पता करता है कि पेशेंट को EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर है। तो फ्रेंड्स, कोई भी कैंसर पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो डॉक्टर देख के एक जजमेंट लगा सकता है कि पेशेंट में EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर होने का चांस क्या है। तो क्या देखा गया कि जिन पेशेंट्स को EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर है, यूजली उनकी एज कम होती है, टिपिकली उनकी एज 40 या 50 से नीचे होती है, यूजली ये नॉन स्मोकर या लाइट स्मोकर होते हैं, यानी ये वो पेशेंट है जिन्होंने बहुत कम मात्रा में स्मोकिंग करी है या जो नहीं स्मोक करते हैं, और कॉमनली ये पेशेंट फीमेल होते हैं। तो स्पेशली जो फीमेल लाइट स्मोकर या नॉन स्मोकर और यंग लंग कैंसर पेशेंट होते हैं, इनमें EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर कॉमन होता है। इनफैक्ट यदि कोई पेशेंट यंग भी है, फीमेल भी है और नॉन स्मोकर भी है, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि EGFR पॉजिटिविटी का रेट 60-70% तक भी जा सकता है। तो ये क्लिनिकल फैक्टर है जो डॉक्टर को पॉइंट करते हैं कि पेशेंट को EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैंसर की बायोप्सी के बाद पता चलता है। जब हम कैंसर की बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी को माइक्रोस्कोप के नीचे देख के विभिन्न तरह के लंग कैंसर के टाइप्स निकल आते हैं, जिनमें से एक EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर होता है। तो बायोप्सी की पिक्चर को देख के भी डॉक्टर जज कर सकते हैं कि EGFR पॉजिटिविटी का कितना चांस है। इन जनरल जिन पेशेंट को एडीनोकार्सिनोमा नाम का कैंसर अपेयरेंस होता है, उनमें ही EGFR पॉजिटिव का चांस सबसे ज़्यादा होता है। और फाइनली मेन डायग्नोसिस का तरीका होता है जेनेटिक टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, जो ट्यूमर का टुकड़ा जो बायोप्सी के टाइम पे डॉक्टर लंग से निकालता है, उसी टुकड़े की एक स्पेशल तरह की टेस्टिंग होती है, इसको हम जेनेटिक टेस्टिंग बोलते हैं। उसमें जो ट्यूमर का जो पीस है उसको एक स्पेशल लैब में भेजा जाता है, जहाँ पर ट्यूमर सेल्स को तोड़ के उनका DNA निकाल लिया जाता है, और उस DNA की स्पेशल तरह की टेस्टिंग होती है, और वो टेस्टिंग की रिपोर्ट बताती है कि पेशेंट को EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर है या नहीं। यूजली दिस टेस्टिंग टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 7-14 days, 7-14 दिन में रिपोर्ट आती है, और ये टेस्टिंग बहुत ही चीप होती है, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 हज़ार में भी आज के दिन ये टेस्टिंग की जाती है। तो इन मोडालिटीज से डॉक्टर कंफर्म करता है कि पेशेंट को EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, यानी EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर का डायग्नोसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक स्पेशल तरह का लंग कैंसर है जिसमें ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी वगैरह की जरूरत नहीं होती, और इसके ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंटली एक स्पेशल तरह की दवाई से होता है, इसको हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, जो कि कैंसर की टैबलेट्स होती है। तो टारगेटेड थेरेपी से हमारा क्या तात्पर्य है? टारगेटेड थेरेपी का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट विद दवाइयाँ जो बॉडी के सारे सेल्स को इफेक्ट करती है और कैंसर सेल को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट करती है, हम पेशेंट को बड़ी स्पेसिफिक गोलियाँ दे सकते हैं जो सिर्फ उस जीन पर काम करती है जो कैंसर में ख़राब है।
तो नेट रिजल्ट ये होता है कि बहुत ही स्पेसिफिक और डीप इफेक्ट आता है, क्योंकि वो टैबलेट स्पेसिफिक और सिर्फ कैंसर को हिट करती है, नॉर्मल सेल को हिट नहीं करती। और दूसरा है कि साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, अगेन क्योंकि नॉर्मल सेल पे गोलियां यूजली काम नहीं करती, मेन इफेक्ट इनका कैंसर पे होता है। तो एक हाईली पोटेंट और हाईली स्पेसिफिक थेरेपी होती है जो सिर्फ कैंसर सेल को मारती है और नॉर्मल सेल को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। तो EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर का डायग्नोसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस पेशेंट में EGFR म्यूटेशन है उनमें स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपीज है, हम बहुत ही डीप और अच्छा आउटकम पा सकते हैं, ट्यूमर का बहुत ही बढ़िया कंट्रोल पा सकते हैं और सालों साल की बहुत ही हाई क्वालिटी लाइफ पा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर में टैबलेट्स के क्या ऑप्शन है। तो EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर में बहुत सारी टैबलेट्स की लिस्ट है जो कि हम यूज़ करते हैं, पर मोटा मोटा EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर में जो टैबलेट्स आज के दिन यानी अक्टूबर 2023 में अवेलेबल है उनको हम तीन जनरेशन में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। और तीनों तरह के टैबलेट्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो फर्स्ट जनरेशन में दो इंपॉर्टेंट टैबलेट्स आती है जिनको हम बोलते हैं जेफ्टेनिब और एरलोटेनिब, सेकेंड जनरेशन में दो टैबलेट्स आती है इनको हम बोलते हैं एफाटेनिब और डेकोमेटेनिब, और थर्ड जनरेशन में एक टैबलेट आती है इसको हम बोलते हैं ओसीमेटेनिब या टैग्रिसो। तो ये तीन जनरेशन की टैबलेट्स हैं जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है। और इन जनरल जैसे आप फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड जनरेशन जाते हो वैसे ही टैबलेट का असर इंप्रूव होता रहता है और पेशेंट का आउटकम भी इंप्रूव होता रहता है, पर एट द सेम टाइम टैबलेट का कॉस्ट भी इंक्रीज होता रहता है। तो आज के दिन जो थर्ड जनरेशन टैबलेट यानी ओसीमेटेनिब है उसको एब्सोल्युटली बेस्ट टैबलेट माना जाता है, परंतु इसका कॉस्ट करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा है। तो ईच काइंड ऑफ टैबलेट हैज इट्स ओन कॉस्ट, जिसको हम आगे के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो टैबलेट्स हैं, कुछ रिसेंट रिसर्च और डेटा ये भी कह रहा है कि आप टैबलेट को अकेले लेने के बजाय उनको कुछ दूसरी टारगेटेड थेरेपी से जोड़ के कंबाइन करके दे सकते हो, या कुछ रेयर केसेस में कीमोथेरेपी से भी कंबाइन करके दे सकते हो, जिससे पेशेंट का आउटकम इंप्रूव होता है। तो मोटा मोटा ये वेरियस टैबलेट्स पेशेंट अकेले ले सकता है या दूसरी दवाइयों के साथ ले सकता है, और इसका नेट रिजल्ट होता है एक बहुत ही अच्छा सर्वाइवल या बहुत ही अच्छा आउटकम। तो नेक्स्ट बात करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन टैबलेट्स का कॉस्ट क्या है, क्योंकि मेन डिफरेंशिएटर जैसे मैंने बताया अगर कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ना हो तो हर आदमी चाहेगा कि वो थर्ड जनरेशन या बेस्ट टैबलेट ले। परंतु मेन प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री में अभी ये है कि जो थर्ड और सेकेंड जनरेशन के टैबलेट्स हैं उनमें से कुछ गोलियाँ अभी भी अंडर पेटेंट है और इस समय कॉस्टली है। तो एज ऑफ टुडे जो चीपेस्ट कॉस्ट यानी जो सबसे सस्ती टैबलेट्स है उनका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3,000 से 4,000 रुपये महीना होता है, और जो सबसे कॉस्टली टैबलेट होती है उनका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1,00,000 पर मंथ होता है, और बाकी सारे टैबलेट इस कॉस्ट लिमिट के बीच में होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट के अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हमें एक अच्छा रेजिमन पेशेंट को डिज़ाइन करके देना होता है जो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो और इसका ट्यूमर पर असर भी अच्छा हो। परंतु एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि पेशेंट इमिजिएटली थर्ड जनरेशन या बेस्ट टैबलेट नहीं ले सकता तो उनको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए फॉर 3 reasons। नंबर 1, थर्ड जनरेशन टैबलेट ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट शुरू में थर्ड जनरेशन नहीं ले सकता तो वो कभी नहीं ले सकता। पेशेंट कैन ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन टैबलेट, और फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन टैबलेट जब फेल हो जाए तब थर्ड जनरेशन टैबलेट पर जा सकता है। दूसरा, यदि कोई दवाई आज के दिन 1,00,000 रुपये की, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल बाद भी 1,00,000 रुपये की रहेगी। इन दवाइयों का कॉस्ट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन दवाइयों का कॉस्ट कम होता है पिछले साल से, तो ओवर टाइम द कॉस्ट ऑफ दिस टैबलेट्स विल फॉल, और जो मेडिसिन आज के दिन अफोर्डेबल नहीं है हो सकता है कुछ टाइम बाद पेशेंट को अफोर्डेबल हो जाए। नंबर 3, जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट जनरेशन टैबलेट्स को वेरियस कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है, और उनमें से कुछ कॉम्बिनेशन ऐसी है जो थर्ड जनरेशन टैबलेट जितनी ही इफेक्टिव है, तो फर्स्ट चीपर कॉस्ट पर थर्ड जनरेशन टैबलेट जितना अच्छा आउटकम दिया जा सकता है। और 4, कई दवाइयाँ जो आज के दिन पेटेंटेड है साल 1.5 साल में उनका पेटेंट खत्म हो रहा है, और जब भी पेटेंट खत्म होएगा हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इन दवाई का कॉस्ट 80-90% कम हो जाएगा। तो वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक कि इन दवाइयाँ का खर्चा नियर फ्यूचर में काफ़ी हद तक चीपर हो जाएगा। एडिशनली जो पेशेंट बेस्ट जनरेशन के टैबलेट चाहते हैं पर उनको करंटली अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास क्लिनिकल ट्रायल्स या पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम ज्वाइन करने का भी अपॉर्चुनिटी रहता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि टैबलेट्स का आउटकम कैसा है, यानी जो पेशेंट EGFR पॉजिटिव है और बेस्ट टारगेटेड थेरेपी ले रहे हैं उनका सर्वाइवल कितना है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो भी पेशेंट इन गोलियों को लेते हैं ऑन एवरेज इन पेशेंट का जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है ऑन एवरेज इट इज़ मोर देन 4 years, और इनफैक्ट डेटा ये कहता है कि 40% से ज़्यादा पेशेंट 5 साल से ज़्यादा जीते हैं, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड कैंड। मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये सारे पेशेंट को स्टेज 4 कैंसर है, तो स्टेज 4 कैंसर भी एक लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका लाइफ इतना लॉन्ग होता है कि
8 ईयर्स 10 ईयर्स कितना भी सर्वाइवल हो सकता है। तो दी एवरेज पेशेंट विल डू वेरी वेल, और एक सबसेट ऑफ पेशेंट है उनका सर्वाइवल बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसलिए EGFR टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और EGFR पॉजिटिव पेशेंट को EGFR वाली टैबलेट से ट्रीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आउटकम बताया है, वो आज के दिन यानी 2023 का आउटकम है, पर जैसे पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ेगा ऑलमोस्ट एवरी ईयर EGFR वाली फील्ड में नई ट्रीटमेंट्स आ रही है। इनफैक्ट इस ईयर ही EGFR वाली फील्ड में 3 नई थेरेपीज आई है, एंड एवरी ईयर 2 या 3 नई थेरेपीज फील्ड में आती रहती है। तो यदि पेशेंट का सर्वाइवल टाइम बढ़ता रहेगा तो न्यू ट्रीटमेंट एडवांसेस है, उसको और भी आगे हम खींच सकते हैं और भी बेटर सर्वाइवल हम पेशेंट को दे सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर का सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है। तो विद डैट फ्रेंड्स, आई होप EGFR पॉजिटिव लंग कैंसर के बारे में आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और डेफिनेटली हम ईच टैबलेट के इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट आउटलुक कैसे यूज़ करते हैं, डोज क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते। पर यदि कोई आपको क्वेश्चन है जो इस वीडियो में नहीं डिस्कस किया गया है, तो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब का आंसर आपको जल्द से जल्द मिले। दोस्तों, हमारे चैनल का मेन पर्पज ये है कि वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे देश के पेशेंट को उनकी भाषा में मिले। तो इस एम में यदि आप हमसे जुड़ना चाहें तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जल्दी ऐसे एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।